तो कल रात को यहाँ पे हमने स्टे किया था सरचू में, और अभी आगे की तरफ निकलते हैं। तो चलो चलते हैं, सामान सब चेक कर लो। चश्मा मेरा आपके पास है क्या? ये रहा एक। ये वाला नहीं है वो। बैग कहाँ है? चश्मा वगैरह रह गया, कौन सा है? दूसरा डाल दिया साथ में। तो चलो निकलते बाहर। कितना लीटर जाता बाइक में? बाइकर लोग सुबह सुबह निकल गए हैं यहाँ से, और आधे लोग जा रहे हैं उधर मनाली की तरफ, आधे लोग जा रहे हैं लेक की तरफ। तो अपने को तो लेक की तरफ चलना है, तो वो निकलते हैं। ऐसा है कि रात को ठंड तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पड़ी थी, माइनस कितना गया था जयेश? माइनस कितना गया था डिग्री? -4 डिग्री। -4 डिग्री में गए थे। टेम्परेचर बहुत, यानी ठंड तो अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। -4 डिग्री। -4 डिग्री था है? रात को कितना था? रात को कितना डिग्री था? चेक किया आपने? हाँ, हमें तो 4 डिग्री बता रहा था। तो होगा 4 डिग्री। अभी कितना डिग्री है टेम्परेचर? अभी तो 2-3 हो गया। रात को कितना जाता है माइनस में? माइनस में नहीं जाता, पता नहीं, मोबाइल बता रहा था माइनस नहीं होगा। अरे 1-2 रहता। उधर देखो, हम मनाली है यहाँ से 222 किलोमीटर, और ले भी इधर इतना ही है। नज़ारे देखो सुबह सुबह कितने शानदार है, दिल ही खुश हो जाए देख ले तो। इधर तो क्या सेंट ट्यून्स के पहाड़ है मिट्टी के, उधर सामने स्नो है। अभी यहाँ पे पत्थर वाले पहाड़ नहीं आएंगे ये सब, अभी सरचू में ये यहाँ पे पेट्रोल तो देते हैं, पर थोड़ा सा कॉस्टली देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप आस पास नहीं है। तो ये भी वहाँ से कैरी करके स्टॉक करके लाते हैं। तो प्राइस यहाँ पे 160 लीटर है, तो अभी हमने 5 लीटर इसमें डाला है, और फिर बाद में निकलते हैं उधर आगे की तरफ, कारू की तरफ। अपना डेस्टिनेशन तो सोच रखा है कि पांग या फिर कारू, तो देखते हैं, चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं, पेट्रोल वहाँ से यहाँ पे, अपने पेट्रोल यहाँ से डलवा लिया बाइक में। अभी 5 लीटर डाला है, उनके पास इतना स्टॉक था, तो 5 लीटर में अपन कारू पहुँच जाएंगे। तो लो सफ़र का मज़ा, देखो आप रास्ते में हवा एकदम बर्फीली हवा चल रही है यहाँ पे। और अभी अपना नेक्स्ट आएगा पांग। तो जयेश भाई को मजा आ रहा है अब शानदार, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पर कल सरचू में ना बहुत ठंड थी, तो कल टेम्परेचर बहुत लो गया था। तो पर हाँ, वहीं पे कैंपिंग करने के लिए हम रुक गए थे, तो वहाँ पे 300 रुपये पर पर्सन के लेते हैं, और खाना अलग से लेना पड़ता है।
तो कुल मिला के एवरेज रहा था वहाँ पे, ना तो इतना अच्छा है स्टे ना इतना बुरा है, पर ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत कम है। तो कभी भी आप वहाँ पे स्टे करो सरचू में, तो आप जैसे कोई सांस वगैरह की कोई तकलीफ हो आपको तो आप वहाँ पे नहीं रुक सकते, और वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपका बीमार होने का ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे, बीमार होने का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर कहीं भी आप अच्छे से बाइक चला सकते हो तो कभी भी आराम से आप पांग पहुँचो, पांग में आराम से ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, और वहाँ पे रुकने के लिए होम स्टे है, तो होम स्टे कर सकते हो आप, तो इतना ठंड वगैरह भी नहीं लगेगी, क्योंकि एक घर तो घर होता है और एक कैंप होता है, कैंप में क्या हवा लगती है थोड़ी। अभी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री के आसपास है, तो अभी सामने जितने भी ये माउंटेन्स है पूरे मिट्टी के बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, तो बहुत हाइट है इनकी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बारिश में यहाँ पे वो पूरा लैंडस्लाइड होता है। पूरा डेजर्ट जैसा ही अपने जैसे राजस्थान में जैसलमेर वैसे ही चारों तरफ एकदम अच्छे से ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कोई वॉल पेपर लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। अभी ले यहाँ से 240 किलोमीटर है, तो 240 किलोमीटर देखते हैं, हो जाता है तो ठीक है, वरना कहीं भी अपन स्टे कर लेंगे। तो इस रास्ते में कैंप वगैरह मिलेगा तो कोई दिक्कत वाला कोई इशू तो है नहीं। ये लेक है, ये भी बर्फ से जमी हुई है आदि, और ये देखो आप पहाड़ों के कितने अच्छे क्या सीन आ रहे हैं। इधर पूरी लेक में पानी भी है और आइस भी जमी हुई है, नज़ारे तो बहुत ही शानदार है। बीच बीच में ऑफ रोड भी है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है। ये सारे सैंड ड्यून्स के पहाड़ है, तो पैर वेर पूरे गंदे हो गए हैं, बाइक अपनी पूरी मिट्टी से सन गई है, मिट्टी से पूरी भर गई है, तो देखो आप नज़ारे देखो। पर यहाँ की रोड इतनी डेंजरस है कि एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, तो बहुत ही केयरफुली बाइक चलाना पड़ता है यहाँ पे। क्या पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं, तो ये सब लोग उनको हटाते हैं और रास्ता सही रखने की कोशिश करते हैं, तो पूरे रास्ते में जगह लोग लगे हुए हैं। ये ब्रिज अपने को क्रॉस करना है,
और देखो शानदार नज़ारा ही। अभी फिर से अपन हाइट पे चढ़ेंगे, मेरा सबसे खूबसूरत जगह यही है घूमने के लिए। आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो आप लाइक जरूर करना। बोलते हैं ना सबसे अच्छे वाले रास्ते, तो सबसे अच्छे रास्ते हैं जो मिलेंगे कारू के आगे। ले सिटी है वहाँ पे, रोड भी बहुत अच्छी है। ये वो कितना शानदार नज़ारा है सेंट ट्यून्स के पहाड़ों के अंदर से, ये नदी बहती हुई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे कंटिन्यू स्पीड से बाइक नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पे टर्न वगैरह बहुत है, और कहीं भी आपको ऑफ रोड मिल सकती है तो आराम से ही चलाओ। कभी अगर आप आओ तो बहुत ही ध्यान से आराम से अच्छे से चलाओ, और अगर आओ ज़रूर यहाँ पे। क्या इतना जो बोलते हैं कि ये है वो है, रियल में जो नज़ारे देखने हैं तो यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आना ही चाहिए आदमी को लाइफ में, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह देखने लायक। यहाँ पे पता भी चल जाता है कि यहाँ के लोग कैसे यहाँ पे सर्वाइवर करते हैं। अभी यहाँ आसपास कोई स्नो वगैरह नहीं दिख रही है, चलो अपने को आज ही मिलेगी, फिर अपने को वापस से दूर तक जाना है। और अभी ये क्या यहाँ पे एकदम बारीक मिट्टी है जो अपनी बाइक निकाल रहे हैं तो उड़ती है पूरी, और अपनी बाइक के पूरे चिपक जाती है। तो मिट्टी भी ये एकदम अलग तरीके की है, एकदम बारीक वाली मिट्टी है यहाँ पे। देख लो आप जगह जगह ये ऑफ रोड है, तो बहुत ही ध्यान से चलाओ। लगता आपको ऐसा है कि एकदम अच्छी रोड वगैरह है सीधी, पर कहीं भी ऑफ रोड मिल सकती है, आराम से बाइक चलाओ।
रहे हैं कि इस बार का इधर मौसम है तो वैसे तो कम ही ठंड है, वरना और दिनों में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ पे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको हमने कल पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बार थोड़ा कम है ठंड, वरना पर उनके लिए तो कम है, पर अपन आएंगे कोई भी उधर से अपने लिए तो बहुत ठंड है। तो एक दो बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत ही ठंड है, पर इस बार कम ठंड है। तो आवाज़ तो आपको इतनी ही क्लियर मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो हेलमेट पे माउंट करने वाला माइक तो अपने को मिला नहीं मनाली में, तो फिर अपने को जो पर्सनल व्लॉग बनाते हैं तो वही माइक लेके अपना काम निकल रहा है उससे, वरना अपनी पूरी ट्रिप ना बाइक की लद्दाख वाली पूरी ख़राब हो जाती। तो इसलिए कम से कम ये मिला वही अच्छी बात है। तो इससे क्या हम थोड़े बहुत भी हो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ऑडियो रिकॉर्ड तो कर सकते हैं। तो चलो, तो ऐसा है कि ये पहाड़ है ना यहाँ के, तो इन पे आप कभी चढ़ नहीं सकते क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी के बने हुए हैं। अगर आप इस पे पैर रखोगे तो सीधा नीचे आ जाओगे वापस। तो अपने को एकदम भुरभुरी मिट्टी जैसे भुरभुरी पत्थर जैसे है, तो पांव रखते ही आप वापस आ जाओगे। तो इन पे चढ़ना एकदम मुश्किल काम है ये लद्दाख के पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट है। तो ये अपने वैसे देखे तो अपने इंडिया को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, चाइना पाकिस्तान वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है। आगे से भाई बोल रहे निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो निकलते हैं, यहाँ पे वही लैंडस्लाइड होती है तो उनको रोकने के लिए वॉल वगैरह बना रहे हैं। तो एकदम मिट्टी मिट्टी जैसे पहाड़ है, तो बहुत ज़्यादा रास्ते पे मिट्टी आके गिर जाती है तो उनको हटाने में। और ये देखो आप इसको रोकने के लिए वॉल वगैरह बना रहे हैं, तो इससे रोड भी नहीं है इतनी मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी भी नीचे से गिरना चालू होती है, ऊपर से गिरती नहीं है। उनको बांध जैसा बना के वॉल को रोकने की कोशिश। तो देखो आप विस्की सेतु, तो ये क्या पानी वानी निकलता है यहाँ से, तो इसको विस्की नाला बोलते हैं। विजिट अगेन, सामने देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं। तारीफ करें उतनी ही कम है यहाँ के नज़ारों की, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। रास्ते के साथ नदी, नदी के साथ पहाड़, मस्त नज़ारा। क्या सामने से क्या देखो, कितना गजब सीन है। तो कितना गजब सीन है, रास्ते के पास एकदम बिल्कुल नदी है और पहाड़ एक साइड, दोनों साइड पहाड़ है।
एकदम दुर्गम पहाड़ों में बना हुआ रास्ता है ये। पांग यहाँ से 52 किलोमीटर। अभी सरचू से यहाँ तक के लिए आगे वैसे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, कैंप वाले रखते हैं कोई यही सरचू पे, इसके बीच में आपको कहीं भी पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। तो कभी भी आप आओ तो एक जेरी कैन ज़रूर साथ में लेके आओ, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है तो इसके अंदर फ्यूल वगैरह का ऑप्शन है नहीं है। तो बोलते हैं कोई अपनी तो कोई किस्मत ठीक थी तो वहाँ पर मिल गया। पहाड़ों के बीच एक अलग सी दुनिया ही है ये। अभी हम पहुंचे हैं नकेला पास, यहाँ का एल्टीट्यूड है 15,547 फीट। तो अभी संदीप भाई अपने स्टिकर लगाएंगे, अपने चैनल का स्टिकर लगाएंगे। तो देखिए स्टिकर, हाँ लगाइए संदीप भाई, किसी दूसरे का स्टिकर पे मत लगाना। पेंट किया हुआ है ना इसलिए हो रहा होगा। तो क्या ही लुक आ रहा है इसका, ये सामने वो मिट्टी वाले पहाड़ है। तो बहुत ही आज क्या बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए यहीं पे अपने को पांग में स्टे करना पड़ा, क्योंकि बाइक हो गई अपनी पंचर और फिर बाद में पंचर वगैरह निकालने लगे तो थोड़ा टाइम वगैरह लग गया। तो फिर सोचा कि इतने में तो अपने से कवर होगा नहीं, ले तो कल निकलेंगे, तो आज यहीं पे स्टे करते हैं। और
वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और क्वालिटी तो ऐसा है कि अभी फोन से ही शूट कर रहा हूँ, तो कुल मिला के कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और व्यू आप देखो, एकदम शानदार व्यू है इधर, पूरे मिट्टी के पहाड़ है। और जिस जगह हम रुक रहे हैं, ये क्या यहाँ के बोलते हैं ना, होम स्टे, ये होम स्टे के अंदर ही रखते हैं। तो यहाँ पे काफी बाइकर लोगों वगैरह के सबके लोगो है, कल अपना भी यहाँ पे लग जाएगा। और इसमें क्या, मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है BSB बुलेट सिंह भोई सर, जिससे आपने पिछले व्लॉग में मिले थे, तो उसका स्टिकर लगा है। तो देखेंगे, अपना भी स्पेस बना के इसके पास ही लगाएंगे। तो चलो फिर सुबह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।